हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11E क्लास 8 सेलिना पब्लिकेशन कॉन्सर्स मैथमेटिक्स। देखो ये वाले जो एक्सरसाइज है बहुत इजी एक्सरसाइज है, लेकिन ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को बॉडमस रूल क्या है वो जानना है। ये स्क्रीन में देख लो, बॉडमस मतलब क्या होता है। ये जो सिक्वेंस देख रहे हो, ये सीक्वेंस के हिसाब से ही हम लोग को सम्स करना है, ठीक है। पहले होगा ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स तीन टाइप का होता है, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, ठीक। फिर हम लोग करेंगे ऑफ वाला, फिर हम लोग करेंगे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब चलो सम्स करते हैं। नंबर वन, देखो ये सम है, हम लोग पहले क्या करेंगे, ये ब्रैकेट वाला काम पहले करेंगे, बाकी जैसा है पूरा वैसे ही पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या कुछ काम दाम होता है? नहीं होता है। तो फिर क्या करेंगे, इसको ना बाहर कर देंगे, ठीक है। ये माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस में प्लस, 4a स्क्वायर, ठीक। अब क्या इसका काम करेंगे, इसमें क्या होता है, देखो ये ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9a स्क्वायर, माइनस 3a जैसा है वैसा पुट कर दो। अब क्या करना है इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट मतलब ऐसा ही काम, तो कुछ होगा नहीं होगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर लेके आ जाओ। बाहर में प्लस है तो साइन चेंजेस कुछ नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या है, ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर का काम करो, और बाकी जो साइन नहीं दे रहे नीचे, मार्क नहीं कर रहे, तो वो खुद से एक तो बन गया मार्किंग, ठीक। तो यहाँ पे ए स्क्वायर 9 + 1 क्या हो गया, 10 स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या हो गया, 3 - 5a, तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। समझ में आया? अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक। यहाँ पे देखो एक नया टाइप का है, जो है ये x माइनस वाई का सर्फेक्टर ताज है, तो ये ताज मतलब क्या है, इसको हम एक ब्रैकेट मान के चलेंगे। तो क्या होगा, जैसे कि हम लोग वो ब्रैकेट मान रहे थे ना, इसको यहाँ पे वही मान के चलेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, इसका ना साइन चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस के साथ चेंज हो जाएगा। समझ में आया? अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ काम दाम होगा, वो करने से पहले इसको भी बाहर कर लो। यहाँ पे ना हमेशा ध्यान में रखना, बाहर अगर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाता है, जो हम यहाँ पे किया है, ठीक। और बाहर में यहाँ पे प्लस था, तो इसीलिए जैसा साइन था वैसा ही रख दिया है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये माइनस हो जाता, माइनस 9a² + 3a हो जाता। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे कुछ काम दाम कर सकते कि नहीं, ये वाई कट कर दो, ठीक है, ये एक्स कट कर दो, तो क्या बचा, ये बचा। अब इसको भी क्या करना है, बाहर में लेके आ जाओ। यहाँ पे माइनस है तो ये इसका साइन क्या हो जाएगा, दोनों का ही माइनस साइन है, तो दोनों का ही प्लस में हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे प्लस वाई था माइनस एक्स था, तो यहाँ पे हम उल्टा लिखा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो ये वाई वाई कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x विल बी योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम करेंगे। और अगर तुम लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे एक फर्स्ट ब्रैकेट है, यहाँ पे एक फर्स्ट ब्रैकेट है, किसका काम पहले करें, दोनों का काम एक ही लाइन में कर देंगे, क्या हो जाएगा, काम हो गया। यहाँ पे माइनस था, यह माइनस अगर मल्टीप्लाई होता तो प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस 3 * 1 था तो माइनस 3, यहाँ पे माइनस 3 - -x² था तो प्लस 3x² बन गया। यहाँ पे क्या होगा, जो है वही बैठ जाएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ काम दाम होगा नहीं, तो बाहर कर दो बस, इसको पकड़ के बाहर कर दिए। अब क्या, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो जैसा है पुट कर दो। यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों के बीच में काम होगा, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, 3x² - 3, समझ में आ रहा है। तो x² था 2x², तो ये दोनों के अंदर काम होगा, तो 2 1 3 कर दिए।
फिर क्या होगा, ये दोनों के बीच में कुब का कुछ काम होता नहीं है, तो बाहर कर दो। बाहर मतलब क्या, इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई जब होगा ये साइन भी ध्यान में रखना, तो मतलब 3 2 + 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे काम करो, -3 + 6, ठीक है, ये दोनों का काम होगा, ये दो स्क्वायर का काम होगा, तो इसका कुछ साइन मत दे रहे ताकि पता चले दोनों अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा का साइन बैठेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा का साइन पुट कर दो और फिर कर दो, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो हम क्या बताया था, इसको एक तो ब्रैकेट मान के चलेंगे, तो इसको एक तो ब्रैकेट मान के चलेंगे, मतलब पहले इसका काम होगा, फर्स्ट ब्रैकेट से भी पहले इसका काम होगा, ये ध्यान में रखना। तो क्या होगा, इसमें ना कुछ काम नहीं होता है, बस साइन चेंज हो जाता है। किसका साइन, जो बीच में रहता है, ठीक है, ये जो रहता है उसका साइन बस चेंज हो जाता है। लेकिन कब रहता, कब चेंज होता है, जब बाहर में माइनस रहता है, यहां पे बाहर में प्लस है, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली एक ब्रैकेट जैसा ये काम होगा। तो बस ये आ गया, यहां पे कुछ काम दाम होगा, इसका इसका होगा, क्या होगा, 2n - n, तो -n + m हो जाएगा। क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अंदर में कुछ काम होता नहीं है। अब जहां पे ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाले भाई साहब प्लस हो जाएगा। ये दोनों का काम होगा, क्या होगा, -2m + 3n, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, -4m + 6n, बस यही हो जाएगा आंसर। इसको तुम सजा के गुजा के ऐसे भी लिख सकते हो, 6n पहले -4m, ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी राइट है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। अब एक बात बता रहे, ये सब सम जब कॉपी करोगे ना, तो कॉपी करने के बाद एटलीस्ट 2 टाइम्स चेक करो कि सही लिखे हो कि नहीं, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जब तुम करोगे सम में और नहीं देखोगे, ठीक है। तो पहले ये सम कॉपी करने के बाद 2 बार चेक करना कि सही कॉपी किए कि गलत, क्योंकि यहाँ पे अगर कॉपी गलत करोगे तो सम का आंसर भी रॉन्ग आएगा। तो पहला काम है कॉपी करके 2 बार चेक करो। यहाँ पे ना हम बता रहे ये सम कॉपी करने के बाद क्या करना, 2 बार चेक करना, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या लिखे थे हम, वाई लिखे थे, तो अब चेक करने के बाद देखा कि यहाँ पे एक्स होगा, ठीक। चलो 3x - 3x - यहाँ पे 3x - फिर यहाँ पे इसका साइन बदल जाएगा, 3x - 3x + y, ठीक। यहाँ पे एक बात याद रखना है, यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन होता है ना, ये सर का ताज होता है ना, सर का ताज क्या करता है, इसका अंदर वाले का काम करता है, बस ये वाले साइन माइनस है तो प्लस हो जाता है, अगर प्लस रहता है तब माइनस हो जाता है, कब, जब बाहर में माइनस रहता है। अगर ये वाला प्लस रहता है तो ये साइन जैसा है वैसा ही रहेगा, याद रखना। यहाँ पे देखो ये कट हो गया, अब 3x - यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट, तो 3x - प्लस माइनस में -y कर दो, अब यहाँ पे कुछ काम धाम होगा नहीं, तो उसको भी बाहर कर दो, तो 3x - 3x + y, ठीक है। तो अब ये वाले भी भाई सब कट हो जाएगा, तो 3x - 5, ठीक, तो यही हो जाएगा आंसर। अब चलो 6 करते हैं क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन है p²x - 2 सेकंड ब्रैकेट px - 3x फर्स्ट ब्रैकेट x²-3a - x² ब्रैकेट क्लोज सेकंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे सर पे ऊपर ताज है, बाहर माइनस है, मतलब ये प्लस हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे x² यहाँ पे x², तो क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा।
समझ में आया, ये दोनों का काम हुआ, तो 2x² - 3a जैसा था वो बैठ गया, फिर क्या होगा? यहाँ पे कुछ काम दम होता नहीं है, ये x है, हाँ n नहीं है, तो क्या हो जाएगा 6x³ माइनस माइनस में प्लस 3 3 9 ax, ax 9, ठीक। फिर क्या होगा, यहाँ पे कुछ काम होगा, px है, x³ है, कुछ नहीं तो हो रहा है, तो ऐसे ही बैठ जाएगा, ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे तो कुछ काम दम नहीं हो रहा है, तो p² x - 2px - 12x³, ये माइनस माइनस में प्लस हो गया, फिर माइनस में प्लस माइनस में माइनस हुआ, फिर क्या होगा, ये 9 2 18 ax, तो और कुछ नहीं होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। और कुछ नहीं हो रहा है तो यही आंसर हो जाएगा, समझ में आया? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या करेंगे, पहले इस वाले भाई साहब का काम करेंगे, सेवन बाहर माइनस है तो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, माइनस होके पी बैठेगा। अब क्या होगा, 2, यहाँ पे 6 + 4 10 मत करते ना, उसको जैसा है वैसा ही रख दो, ठीक है? अगर किसी को लग रहा है कि यहाँ पे 6 + 4 है तो वो 10 कर देते हैं, तो 10 मत करना, बाद में कुछ चेंज भी हो रहा है वहां पर खो भी जाएगा, देखो देखते जाओ बस सम्स। यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों के बीच में कुछ होता है नहीं होता है, तो फिर इस वाले भाई सबको बाहर कर दो, क्या करना है इसके साथ मल्टीप्लाई, 7 6 का क्या करना है 42 प्लस यहाँ पे 6n, फिर प्लस 6p प्लस q, जैसा है वैसा पुट कर दो। क्या करना है इस वाले भाई साहब का काम करना है, कौन कौन है यहाँ पे काम होगा, ऐसा कुछ है जिनके बीच में काम होगा, p है, q है, n है, m है, किसी का कुछ नहीं होगा, बस पूरा मल्टीप्लाई करते रहो 4 से, देखा हो गया ना, 4m माइनस यहाँ पे 42, 4 जा कितना होता है, 4 2 8, 4 4 16, 168, फिर प्लस, यहाँ पे बस साइन देख लेना कि प्लस है, तो किसी का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक। अच्छा तो यहाँ पे आया 168, यहाँ पे 6 4 24 n प्लस 24 p प्लस 4 q। अच्छा अब देखो तो चेक करो तो कुछ किसी का काम होगा कि नहीं होगा, ये दोनों भाई साहब का होगा, यहाँ पे m है और तो m नहीं है, यहाँ पे p है, q है, ये n है, n भाई साहब है, तो किसी का काम नहीं होगा सिवाय उसका, तो क्या होगा, कर दो काम, तो 162 होता है -162 प्लस 4m प्लस 24n प्लस 24p प्लस 4q, सब जैसा है वैसा बैठ जाए। अब इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है बस, 162 इक्वल्स टू 2 2 4, 16 2 कितना होता है 32, माइनस में होगा, फिर प्लस 4 2 8m प्लस 24 2 48n प्लस 48p प्लस 4 2 8q, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। तुम सोचोगे कि सर यही आंसर है, हाँ यही आंसर है, क्योंकि कुछ होगा नहीं, ठीक है चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे दो टो भाई साहब के ऊपर ताज है, तो क्या करेंगे, वही दोनों का काम पहले करेंगे, ए माइनस बार माइनस है तो ये वाले भाई साहब का क्या हो जाएगा, साइन चेंज, इसका नहीं होगा प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस है तो इसका होगा, ठीक है। ए ब्रैकेट ओपन ए माइनस बी प्लस ए, तो इसमें क्या होगा 2a हो जाएगा, है कि नहीं, 2a कर दो, टू ए माइनस बी कर दो, फिर क्या होगा, ए माइनस बी माइनस ए माइनस यहाँ पे ए माइनस 2a प्लस b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस ए माइनस यहाँ पे इसके अंदर क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। अब ए माइनस बी माइनस ए माइनस माइनस में प्लस ए माइनस बी हो जाएगा,
अब देखो क्या होता है, ये कट हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस बी, तो ए माइनस यहाँ पे क्या होगा, माइनस बी माइनस बी, तो माइनस 2b हो जाएगा प्लस ए, ठीक। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस माइनस में प्लस 2b प्लस ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2b माइनस ए, ये माइनस प्लस में माइनस ए, ये ए कट हो गया, तो 2b विल बी योर आंसर, ठीक। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो ये नंबर 9 का क्वेश्चन है, 3x माइनस थर्ड ब्रैकेट ओपन 4x, फिर माइनस 3x माइनस 5y, ऊपर जो है सर पे ताज हो गया, माइनस 3 सेकंड ब्रैकेट ओपन 2x माइनस जो है वो है 3x माइनस 2x माइनस 3y, 3x माइनस 2x माइनस 3y। अच्छा सर का ताज यहाँ पे हम मिस आउट कर दिया था। अच्छा तो यहाँ पे क्या होगा, बस कर लो, 3x यहाँ पे क्या होगा, माइनस है यहाँ पे 4x माइनस 3x प्लस 5y माइनस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2x प्लस 3y, बस बात खत्म। फिर यहाँ पे कुछ काम दाम होगा, 3x माइनस 2x तो x प्लस 3y होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3x माइनस 4x माइनस 3x प्लस 5y माइनस 3, यहाँ पे ना दिख रहा है कि काम होगा यहाँ पे, लेकिन काम मत करना, ठीक है। जो है जैसा है वैसा पुट करते रहो, ठीक है। 2x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 वाई, थोड़ा सा भी भूल चूक तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। 3x माइनस 4x माइनस 3x प्लस 5y माइनस 3, यहाँ पे कुछ काम दाम नहीं होगा तो बाहर कर दो, 2x माइनस x माइनस 3y, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, 3x माइनस 4x माइनस 3x प्लस 5y माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 3y, ठीक। अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 3x 4x माइनस 3x प्लस 5y माइनस 3x प्लस 9y, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों के बीच काम होगा तो x है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 3x माइनस यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 3 6 है, तो 4x 6x, तो 4x माइनस 6x प्लस 5y प्लस 9y एक साथ कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4x माइनस 6x क्या होता है, माइनस 2x प्लस यहाँ पे 14y, ठीक। यहाँ पे क्या करना है, 3x प्लस 2x हो जाएगा, फिर माइनस 14y, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टू 5x माइनस 14y विल बी योर आंसर, ठीक। थोड़ा सा भी भूल चूक में आंसर नहीं आएगा, एकदम स्टेप वाइज इधर से इधर आ जाओ, यहाँ पे काम हो रहा है इसका मतलब कर देना, नहीं करना है, ठीक है। पूरा राइट साइड से एंड करते 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 लेफ्ट साइड में आ जाओ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, डिवाइड है ना, तो ऐसे लिख दो, तो मतलब क्या हो जाएगा, काट कूट के कम हो जाएगा। क्या करना है, पहले बॉड मास रूल से कर रहे हैं, पहले डिवीजन करना है, यहाँ पे कुछ काम धाम नहीं करना है, यहाँ पे 3 से कट करो, यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर प्लस 3a इंटू 2a। अब क्या करना है, बॉड मास ए में s, तो मल्टीप्लीकेशन, तो ए स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर, तो आंसर विल बी 7a स्क्वायर, समझ में आया। 11 चलो करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में ये है, तो क्या होगा, एक्स टू द पावर 5, फिर डिवीजन करना है पहले, लेकिन डिवीजन के पहले ये अंदर वाले का काम, तो फिर क्या होगा, डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको डिवाइडेड बाय नीचे कर दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वाई का क्यूब। अब ये वाले पोर्शन आ गया ना, तो कुछ भी के साथ काटाकुटी कर दो, यहाँ पे काटाकुटी करोगे तो एक्स क्यूब, यहाँ पे काटाकुटी करोगे तो वाई, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई विल बी द आंसर। अब देखो इसमें क्या करना है, एक्स टू द पावर 5 बाई एक्स स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे क्या, इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, ये वाले भाई सब आ गया, यहाँ पे कटाकुटी कर दो, एक्स क्यूब रहता है, तो
तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यहाँ पे एक्स क्यूब इंटू मतलब ये वाई टू द पावर फाइव हो जाता है, मतलब ये बेसिस अगर सेम है तो पावर्स आर एडेड अप। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, पहले ये डिवीजन वाला काम, तो उसके बाद जो भी करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, ये वाई क्यूब माइनस फाइव वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई इंटू वाई माइनस वन कर दो। अब देखो, इसके बाद अगर ये स्टेप लिख रहे हो तो ये गलत है। ठीक, ये गलत। अब पूछो कि क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो डिवाइड है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन, तो तुम डिवाइडेड, ये बंदा इसके साथ डिवाइड है। ठीक, मतलब क्या, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये पूरा डिवाइड नहीं है, तो मतलब क्या होगा, ये यहां से कट होके क्या हो जाएगा, नीचे बस y रहेगा और ये मल्टीप्लाई होके y माइनस वन यहाँ पे रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब यहां से ऊपर से y को कॉमन लो, y को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई आ जाएगा। अब नीचे y है, ये y कट कर दो इंटू वाई माइनस वन। अब देखो ये वाले दो जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब क्या, वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई इंटू वाई माइनस वन। ठीक, अब ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना मतलब क्या, इसको लेके ये दो, फिर इसको लेके ये दो, मतलब क्या, वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस वन माइनस फाइव वाई इंटू वाई माइनस वन, मतलब क्या, एक बार इसके साथ ये दो मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस फाइव वाई के साथ ये मल्टीप्लाई किए, समझ में आया। अब बस यही करना है, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे कि ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो मतलब क्या होगा, ए इंटू ए माइनस बी, मतलब ये इंटू ये पूरा, फिर माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब माइनस बी के साथ इस पूरा। ठीक है, वैसे तो अब क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई स्क्वायर माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा फाइव वाई। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर के ऊपर काम होगा, तो यहाँ पे वाई क्यूब माइनस सिक्स वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई आ जाएगा, समझ में आया। अब इसके बाद और कुछ होगा क्या, नहीं होगा, तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अभी चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। अब देखो इसमें क्या करेंगे, पहले सम चेक करो, पहला काम क्या है, देखो यहां पे ये वाले डैश है तो उसको करो, क्या हो जाएगा, थ्री ए इंटू, यहां पे ना डिवाइड हो रहा है दिख रहा है तो मत करो, जैसा है वैसा पुट करते रहो। ठीक है, हम क्या बताया था, जो जहां पे होगा उसको वहीं पे पुट करते रहो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइव ए माइनस थ्री बी प्लस टू ए हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बाहर में माइनस है, अंदर में प्लस हो जाता है। अब थ्री ए इंटू एट बी डिवाइडेड बाई फोर माइनस सिक्स, यहाँ पे ए माइनस, अब देखो कुछ काम धाम होगा, हाँ सेवन ए माइनस थ्री बी होगा, काम धाम होगा तो करना है, फिर ब्रैकेट से बाहर करना। अब देखो यहां पे कुछ काम धाम होगा, नहीं होगा, अब बाहर करो तो ए माइनस सेवन ए प्लस थ्री बी हो जाएगा। ठीक है, अब थ्री ए इंटू प्लस नहीं लगना चाहिए, एट बी डिवाइडेड बाई फोर माइनस सिक्स, यहाँ पे कुछ काम होगा, हाँ जरूर होगा, तो यहाँ पे माइनस सिक्स ए प्लस थ्री बी क्या हो जाएगा, थ्री ए इंटू एट बी डिवाइडेड बाई फोर माइनस सिक्स, काम होगा नहीं होगा, अंदर में तो मल्टीप्लाई कर दो, तो सिक्स सिक्स 36, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 36 ए माइनस 18 बी। ठीक, अब क्या करना है, अब देखो इस वाले में ध्यान से देखो, बहुत सारा साइन है, एक बार डिवीजन, एक बार प्लस, एक बार माइनस, अगर तुम इसको पहले करोगे तो सम रॉन्ग, समझ में आ रहा है। इसमें भी क्या करना है, बॉड मस लगाना है, मतलब डिवीजन पहले, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, तो क्या करेंगे, ये डिवीजन वाले काम पहले करेंगे, तो
तो 8b बाई 4 प्लस 36a माइनस 18b, ये 18 है। फिर यहाँ पे 4 से काटाकुटी कर दो 2, तो क्या आएगा 3a इंटू 2b प्लस 36a माइनस 18b। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा 2a माइनस, तो काम होगा तो 3a इंटू क्या हो जाएगा 2b 18b, तो क्या हो जाएगा माइनस 16b प्लस 36a। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ कुछ नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 16 थ्री से कितना होता है 48ab, आगे माइनस रहेगा। ठीक है, प्लस 36 थ्री सा 36 सा 18 का 8 गैरी 1, 3 थ्री सा 9 1, 1008a² ठीक, और कुछ होगा नहीं होगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको तुम उल्टा करके भी लिख सकते हो कि 108a² माइनस 48ab, तब भी ये राइट होगा। ठीक है, समझ में आया। अब चलो लास्ट सम करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले ये ब्रैकेट का काम करना है, इसका और इसका। यही दो ब्रैकेट का काम पहले करना है। ठीक, अब क्या बाकी सारे जैसा है वैसा ही लिखते जाओ। 7x प्लस 4, फिर क्या x² डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 5x डिवाइडेड बाय 10 है, तो 5x बाय 10 माइनस 3, 2 माइनस x² डिवाइडेड बाय, जैसा साइन है वैसा रख दो, इसके अंदर चेंज कर दो। क्या करना है, थ्री एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अब इसको ना चेंज करने के बाद भी ऐसा ब्रैकेट्स रखना, क्योंकि काम तो अभी हम लोग पूरा किए नहीं, तो ब्रैकेट्स रख दो। फिर क्या करना है, 7x प्लस 4 x² डिवाइडेड बाय, यहाँ पे काटाकुटी कर दो तो क्या होगा x/2, अब बाहर कर दो। ठीक है, अब माइनस 3, यहाँ पे भी 2 माइनस x² डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x x कट कर दो तो आता है 3x। यहाँ पे क्या 3x² था, तो x² बाय x मतलब क्या है, x² मतलब क्या है x इंटू x बाय x, तो x x कट जाएगा। ठीक है, अब आया 3x, काम करके बाहर कर दो क्योंकि आगे डिवाइड है, कुछ होगा नहीं। अब देखो यहाँ पे डिवाइड है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके उल्टा कर सकते हैं हम, तो 7x प्लस 4 x² इंटू 2/x कर सकते हैं हम लोग, माइनस 3 ब्रैकेट में 2 माइनस x² इंटू 1/3x, है कि नहीं, बस इसको नीचे कर दिया मल्टीप्लाई करके। अब देखो यहाँ पे x के साथ ये ऊपर वाला x कट दो, तो 7x प्लस 4 इंटू 2x, ध्यान में रखना, माइनस 3 यहाँ पे 2 माइनस, तब इसका काटाकुटी होगा, ये एक्स के चलते एक्स कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा x/3। अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई, इसके साथ ये, इसका अंदर वाले का काम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मेरा क्यूब होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे x² रह जाएगा। ठीक, अब 2 माइनस x²/3, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो 7x प्लस 8x माइनस, यहाँ पे 3 रख दो, सेकेंड ब्रैकेट का अंदर का काम करो,
नीचे एलसीएम 3, यहाँ पे 6 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक, अब ये मल्टीप्लाइड में है तो ये थ्री कट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है। तो यहाँ पे 7x प्लस 8x जैसा है वैसा लिख दो, माइनस यहाँ पे 6 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक जो था। लेकिन हम यहाँ के गलत किया कैसे, यहाँ पे 6 का माइनस हुआ और एक्स स्क्वायर का प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इक्वल्स टू यहाँ पे, और फिर से देखो प्लस माइनस प्लस, तो मतलब किसका होगा पहले, बॉडमस किसका होगा, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का होगा पहले, तो ये एडिशन, ठीक। तो मतलब क्या, 6 प्लस 8 यहाँ पे क्या होगा, 15x माइनस 6 प्लस एक्स स्क्वायर, और कुछ होता नहीं है, तो यही वाला हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ना तुम घुमा के भी लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 6, ऐसे भी तुम लिख सकते हो। अब ये जो है ना सर का ताज जो बोल रहे थे ना, उसको हम लोग बार बोल सकते हैं, वो बार है ऊपर। ठीक है, चलो चैप्टर एंड।